क्षेत्र के मड़ौली गांव में, ये मड़ौली गांव का वही जगह है जहां पर प्रशासन अपना बुलडोजर लेके अतिक्रमण हटाने गया था। और देखिए किस तरीके से यहां पर जो बाउंड्री है, जो दीवारें हैं, वो क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। और अगर झोपड़ी की बात करें तो ये वो झोपड़ी है जहां पर झोपड़ी में आग लग गई थी और माँ और बेटी कर बेटी की जलकर मौत हो गई थी। हालांकि फोरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है, आईजी, एडीजी और कमिश्नर राजशेखर सभी यहां पर मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन पूरा अमला मौके पर मौजूद है। कानपुर देहात में एक बार फिर से हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस झोपड़ी में माँ और बेटी की जलकर मौत हो गई है। आपको बता दें हम खड़े हैं रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में, ये मड़ौली गांव का वही जगह है जहां पर प्रशासन अपना बुलडोजर लेके अतिक्रमण हटाने गया था। और देखिए किस तरीके से यहां पर जो बाउंड्री है, जो दीवारें हैं, वो क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। और अगर झोपड़ी की बात करें तो ये वो झोपड़ी है जहां पर झोपड़ी में आग लग गई थी और माँ और बेटी कर बेटी की जलकर मौत हो गई थी। हालांकि फोरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है, आईजी, एडीजी और कमिश्नर राजशेखर सभी यहां पर मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन पूरा अमला मौके पर मौजूद है। वहीं अगर परिवार की बात करें तो परिवार का कहना है कि एक महीने पहले भी वो जिलाधिकारी के कार्यालय गया हुआ था, जब एक महीने पहले उसके घर में बुलडोजर चला था तो उल्टा उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। हालांकि उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके जो पिता हैं, वो गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी मौके पर पहुंच गई हैं। वहीं पर अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, ये ट्वीट किया गया है। हालांकि अगर देखिए पिता की बात करें तो इनके पिता भी यहां पर गंभीर रूप से घायल बैठे हुए हैं, उनके देखिए कितने सर में चोट है। जय एक मिनट मंत्री जी, पीछे हो जाइए, ये देखिए ये उनके पिता हैं जो गंभीर रूप से चोट लगी हुई है। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण गोपाल दीक्षित। क्या हुआ था दीक्षित जी यहाँ पर? यहाँ पे आज फोर्स करीब 20-25 मतलब पुलिस और ये एसडीएम कानून को और ये लेखपाल ये आए, इनसे हमने हाथ जोड़े कि हमारा ये न्यायालय में बेचारा जी ने 20 तारीख पड़ी है, तो गाली गलौज करने लगे, बोले कुछ नहीं होगा। तो पहले नल गिरा दिया, फिर शंकर भोले बाबा का ये मंदिर था वो गिरा दिया, फिर माई कटिया मशीन गिरा दी, फिर इसके बाद बड़े वो बंगला था बंगला गिराने लगे, माई में बिटिया थी, औरत थी, गिराने लगे तो वो अंदर थी। और ये जो है हम लोगों को भी जो है अंदर कर रहे थे, और करीब 8-10 लोग गांव के थे वो उन्हीं के साथ में, तो हम लोगों को अंदर, हम लोगों को अंदर कर रहे थे। तो एसडीएम साहब ने मतलब आग लगा दी, और ये जो गांव वाले थे ये सब लोग जो है उन्हीं के साथ में थे कि लगा दो आग इनको, हमारे अशोक और अनिल जो है जलन लग, तो इनको इनको भी जो है अंदर कर दो। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर ये जो है जैसे आग लगा के जेसीबी से दबा दिया और सब भग गए। तो क्या घटना हुई, कौन खत्म हुआ? ये हमारी बिटिया खत्म हो गई है और हमारी औरत खत्म हो गई। क्या नाम है दोनों का? ये प्रमला दीक्षित हमारी औरत है, नेहा दीक्षित हमारी बिटिया है। ये चोट आपके कैसे लगे? ये बचाने मतलब हम निकलने में और उनको बचाने में। अच्छा, आप बता रहे हैं एक महीने पहले भी जिलाधिकारी कहाँ गए थे? गए थे यहाँ तो वो